आत्मा और नाड़ी केवल दादा लोग ही पहनते, उनके बच्चे पहनेंगे, जब दादा निपट जाएंगे तो फिर भी आसक्ति इतनी रहेगी कि दादा भले चले जाए तो पजामा अलमारी में ही रखा, पजामा सेट कर रखा। और करना क्या था कि उस पजामे को भी जिसके काम में आ जाए, जिसके कार्य में आ जाए, कोई के पास वस्त्र नहीं है, किसी के पास कोई चीज नहीं है, तो वो वस्त्र उसको दे दिया जाए जिससे कि वो उसका प्रयोग कर सके। केवल और केवल एक मनुष्य की देह, जो 84 लाख योनियों को काटने का काम कर देती है, और वो 84 लाख योनियां कटेगी कैसे? वो 84 लाख योनियां कैसे कटेगी कि कलयुग केवल नाम धारा सुमर सुमर उतर ही पारा। कली काल में नाम की आधारशिला को रखकर भगवान का इतना भजन करो, भगवान का इतना स्मरण करो, भगवत भक्ति को इतना धारण करो कि हमारी बाकी की जो योनियां में मिलने वाली है वो समाप्त हो जाए। किसी किसी का मनुष्य देह प्राप्त होने के बाद दूसरा देह मिलता ही नहीं, फिर इस योनि के बाद में कोई दूसरी योनि है नहीं। लिंग पुराण में एक बात लिखी हुई है अय्यप्पा स्वामी कार्तिकेय षडानंद स्कंद देव। भगवान कार्तिकेय ने अपनी माता से पूछा, मां भूमंडल पर जन्म लेने के बाद में मनुष्य की योनि किसी दूसरी योनि में जाए ना और ये मानव को मुक्ति प्राप्त हो जाए, इसको मोक्ष मिल जाए, इसका फिर कोई जन्म ना होए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शिवचरित्र काशी से जो एक पुस्तक निकलती है शिवचरित्र, पृष्ठ संख्या 68, आप उसको भी पढ़ें, उसमें भी लिखा हुआ है कि स्कंद देव माता पार्वती से पूछते हैं कि फिर हमें वापिस कहीं मेंढक, कहीं बकरा बकरी, कहीं जीव जंतु, कहीं जानवर, कहीं पशु, कहीं पक्षी, कहीं जलचर, कहीं थलचर हमें बनना ना पड़े, उसके लिए हम क्या करें, उसका प्रयोग क्या है, उसका उपाय क्या है, उसकी विधि क्या है? पार्वती जी ने कहा, भूमंडल पर जन्म लेने के बाद मृत्यु लोक में आने के बाद हम अपना कार्य अगर श्रेष्ठ तरह से करते हैं, इसलिए शायद गीता जी में भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्म प्रधान है। हम अपने कार्य को
अगर श्रेष्ठता से करते हैं, हम अपने कार्य को दिल लगाकर मन लगाकर अच्छे से करते हैं, तो ये निश्चित है कि कर्म करते करते जब हमारे प्राण जाते हैं तो परमात्मा भी वापिस जन्म नहीं देता और अपने में ही समा लेता है। अब एक बात को अच्छे से समझना आप जरा, कर्म करते करते कैसे, जैसे एक नाव खेने वाला, उस नाव में बहुत सारे यात्री बैठे हैं और बहुत सारे यात्रियों को लेकर नाव वाला नाव लेकर चला, बीच में नाव डोलने लगी, हवा चलने लगी, समुद्र उछाले लेने लगा, नदी उछलने लगी, और नाव वाला नाव लेकर जा रहा था, नाव वाले को मालूम पड़ा कि नाव डूबने वाली है, नाव चलाने वाला उस नाव में से कूद गया। अब नाव चलाने वाला नाव में से कूद गया और कूदने के बाद वो जीवित बाहर निकल गए। जितने लोग नाव में बैठे थे वो मर गए। अब जो मरे उनको तो जो भोगना था भोग लिया, पर जो नाव चलाने वाला बचकर बाहर आया, 4 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल जीवित रहा, जीवित रहने के बाद जब मर कर गया तो ऊपर जाते से इसके कर्मों का जब लेखा हुआ तो उसमें 94 तरह के नरकों का भोग इसको भोगना पड़ा। नाव वाले नाविक ने कहा, नाव चलाने वाले ने कहा, सबको 10 नरक, किसी को 15 नरक, किसी को 5 नरक, किसी को 2 नरक, और मुझे 94 तरह का नरक क्यों? तब धर्मराज ने कहा, तेरा कर्म था नाव चलाना, पार उतारना, तू तैरना जानता था, किसी एक को भी बचा लेता, कर्म करते करते बचाते बचाते अगर तेरे प्राण भी छूट जाते तो तुझे वापिस जन्म नहीं होता, तेरी मुक्ति हो जाती। पर कर्म को छोड़कर अगर तुम दूसरा कर्म कर रहे हो तो उसका तो भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। एक सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति, और सरल समझ लीजिए, किसी की गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है, कोई स्कूल में पढ़ाता है, कोई बैंक में नौकरी करता है, कोई अन्य विद्युत विभाग अन्य विभागों में कोई नौकरी करता है, और उसने आज एप्लीकेशन लगाकर छुट्टी नहीं ली और छुट्टी उसको मिली भी नहीं, उसने ली भी नहीं, और अपने दोस्तों से कहकर कहीं चले गए। जाते 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 छुट्टी वाले, उसने छुट्टी ली नहीं, छुट्टी दोस्तों से कहकर चले गए कि तू मेरा काम संभाल लेना, मैं बस अभी आ जाऊंगा, और जाने के बाद में उसका कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई घटना घट गई, कोई दुख आ गया। तो ईमानदारी से बोलो, अब वो ना इधर का रहा ना उधर का रहा। एक छोटी सी एप्लीकेशन लगाकर, एक छोटी सी छुट्टी लेकर चले जाता और शासन प्रशासन की निगाह में रहता कि इसने छुट्टी ली है, हमने दी है, तो फिर प्रशासन उसको संभाल लेगा। पर इसने छुट्टी ली ही नहीं और चले गया और घटना घट गई, तो फिर प्रशासन उसको सहयोग कैसे कर सकते, उसको सपोर्ट कैसे कर सकते? तूने छुट्टी ली नहीं तो चला। ये शिव पुराण कहती है कि हम जिस कर्म को करें, हमने छुट्टी ली कि नहीं ली, हम जिस कर्म को करें उस कर्म को हम भगवान के भरोसे पर कर कर चलें। जैसे सरकारी नौकरी करने वाला अगर छुट्टी ले लेता तो सरकार उसका ध्यान रखती, फिर उसका कुछ भी होता तो सरकार उसको स्मरण करती। हम कहीं पर भी जाएं, कहीं से भी आएं, कुछ भी कर्म करें, हमारा कर्म अगर हमने हमारे बाबा कुबेरेश्वर पर महाकाल राजा पर अगर छोड़ दिया है तो ये निश्चित है कि हमारा कर्म प्रबल होएगा और उसका फल हमको मिलेगा, जो उसका फल हमें प्राप्त होगा।
मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हम जो कर्म करें, माता पार्वती जी ने स्कंद देव को कहा कि कर्म प्रधान है, कर्म करो। कर्म करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगी, नौकरी के लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगी, नौकरी के लिए तैयारी करना पड़ेगी। और तैयारी करो, खूब करो, पर भरोसा किसका रखना? जम के बोलो जरा, देव अधिदेव महादेव। भोलेनाथ दया करना, कर्म करना है करो, तुम्हें जैसा कर्म करना है करो, पर शिव के भरोसे करो। परीक्षा देने जाओ, पढ़ाई पूरी करो। नौकरी देने के लिए इंटरव्यू देने जाओ, पढ़ाई पूरी करो। किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, पढ़ाई पूरी करो। और साथ में विश्वास भरोसा देव अधिदेव महादेव का रखो, भरोसा उसका रखना पड़ेगा। जब हम उसका भरोसा रखते हैं, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, तो मेरा देव अधिदेव महादेव भी विश्वास तोड़ता नहीं, वो तोड़ेगा नहीं। शिव पुराण कर रहे हैं, स्कंद देव ने पूछा कि मनुष्य शरीर छोड़ने का और वापिस जन्म ना होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो कहा कर्म करो। बॉर्डर पर लड़ते लड़ते अगर कोई मर जाता है ना, प्राण छूट जाते हैं, तो उसको वीर गति प्राप्त करने का पद मिल जाता है। कर्म करते करते अगर हमारे जीवन में हमको दुख सहन करना पड़ रहा है, कष्ट सहन करना पड़ रहा है, कर्म करते करते हमको तकलीफ भी आ रही है, कष्ट भी आ रहा है, तो उससे हमें घबराना नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा जहरीला है मनुष्य, सांप तो दिखता है तो अपन कह देते हैं ये काट खाए, बोले सही है कि गलत है,
सांप देखकर कह सकते हो कि इसमें विष भरा है, ये काट खाएगा। बिच्छू को देखकर कह दोगे कि ये विषैला है, ये काट खाएगा। गोयरा को देखकर कह दोगे ये विषैला है, ये काट खाएगा। मगर को देखकर कह दोगे ये काट खाएगा। छुपकली को देखकर कह दोगे कि ये काट लेगी। अगर कोई जीव जानवर को देखकर कह दोगे कि ये जहरीला है, पर इन सब जहरीलों से भी बड़ा जहरीला है मनुष्य। ये नजर ही नहीं आता कि कब काट कर चले जा रहा है। सब अच्छे नजर आते हैं अपने को, कितनी जोरदार हमारी काकी जी, कितनी जोरदार ने काका जी, कितना जोरदार ने भाई, कितना जोरदार ने बंधु, कितना जोरदार ने जीजी, कितनी जोरदार ने जीजा, कितना जोरदार ने हमारा रिश्तेदार, इतना बढ़िया हमारा नातेदार, इतना बढ़िया हमारा कुटुंब, इतना बढ़िया। और जब छोरा छोरी का संबंध करने की बारी आती है और कोई संबंधी रिश्तेदार तुम्हारे रिश्तेदारों से पूछते हैं क्यों सा भेरूलाल की छोरी कैसी है, और इतने में रिश्तेदारों ने उनके बारे में जो बताना चालू करा, तब समझ में आता है कि सांप से ज्यादा जहरीला तो मनुष्य। सांप दिखेगा तो दूर हट जाओ, बोलो सही है कि गलत है? कि जहरीला है इससे दूर हटना। बिच्छू दिखेगा तो दूर हट जाओगे कि जहरीला इससे दूर हटना। मगर दिखेगा तो समझ जाओगे कि मगर दिखा दूर हट जाओगे काट खाएगा। बोलो सही है कि गलत है? हैं? और कहीं का अड़ियल सांड निकल के जाए, उके देख के भी अपन सोचे कि यानी दूर हट जाओ, रे यहां से बेल निकल के ले रही है, सांड निकल के ले रही है, इससे मार देगा तो दूर हट जाए। पर ये तो इतनी जोरदार ने छोटी मोटी करके आए, ऐसा डेंटिंग पेंटिंग करके आए ना, जामन ने झुमका ने, क्या जोरदार, पूरा रिश्तेदारों शादी में एक से बढ़कर एक तैयार होके आए। पर ये ही नहीं मालूम पड़े कि इनमें से नागिन कौन सी है, दसेगी पहचान कैसे? सांप के तो पहचान लोगे कि डसेगा, मगर के पहचान लोगे डसेगा, ये सबके पहचान सकते, पर इंसान को कैसे पहचानोगे? सांप की ये डसा है कि नहीं डसा? आते हैं तो बहुत अच्छे से आते हैं, और सांप कैसे हो? काका जी कैसे हैं? बुआ जी कैसे हैं? मामा जी कैसे? चाचा जी कैसे? सब रिश्तेदार ऐसे आए, इतना अच्छा मिलके जाए, इतना अच्छा, पर वो बाद में मालूम पड़े कि तुम्हारा मामा का छोरा। स्वयं भागवत जी में लिखा है, सियोर वाला महाराज नहीं कह रहा है, हमें सोचना ना, सियोर वाला महाराज ने की ये बात, हमारा तो नाम ही मत लेना कहीं पे भी कि हमने की। हम तो कहते ही नहीं, हम तो भागवत जी की बात कर रहे हैं, भगवान कृष्ण का बुआ का छोरा। कौन जी का सिर कटा था? शिष्यपाल बुआ का छोरा। और भगवान कृष्ण को मालूम पड़ा कि तुम्हारा बुआ का छोरा गाली दे रहा था तुमको, इतने में बलराम जी बोले, नहीं नहीं, हमसे जब भी मिला नहीं, बहुत जोरदार मिला, गले भी लग के मिलता है और बहुत हमेशा पूछता है, और भैया कैसे हो, दाऊ दादा ठीक तो हो, कभी आओ हमारे राज्य में, कभी आओ हमारे उधर, हमें तो हमेशा बुलाया, फिर गाली कैसे दे सकता? नहीं मानो तो एक दिन मैं तुमको वीडियो बना के बता दूंगा, एक दिन मारा मोबाइल में कैच करके बताऊं गाली देखी। और इतने में तो दाऊ जी ने कह दिया था, नहीं नहीं शिशुपाल ऐसा नहीं कर सकता, वो गाली दे ही नहीं सकता, हमारी बुआ का छोरा है और सगी बुआ का छोरा है, ऐसे कैसे गाली दे दे, रिश्तेदार हमारा। तो भगवान ने कई बार किया, नहीं शिशुपाल गाली देता है, नहीं दाऊ जी बोले मैं नहीं मान सकता, नहीं मान सकता। तो एक दिन भगवान सभा में बैठे थे और भगवान कृष्ण उठ के चले, और चलते चलते शिशुपाल भैया को उन्होंने प्रणाम करके कहा, भैया द्वारका तो आना एक बार देखने, नया महल बनाया। इतने में तो शिशुपाल खड़े होकर बोल दिया, चोटे तेरी द्वारका देखने आऊंगा। इतने में तो भगवान कृष्ण ने पलट के दाऊ दादा को देखा, ये देख लो मैंने पहले ही बोला था कि कैच करके दिखा दिया। सांप दिख जाता है तो भय हो जाता है कि ये काटेगा, बिच्छू दिख जाए तो कि काटेगा,
गोरिया दिख जाए तो कि ये काटेगा, मगर दिख जाए तो ये काटेगा, पर इंसान को कैसे पहचानोगे कि अंदर से कितना काट रहा है ये समझ नहीं सकते। सबसे जहरीला अगर संसार में कोई जानवर है, सबसे जहरीला अगर कोई है तो वो कौन है? मनुष्य। दिन भर 24 घंटा बैठ के कुछ ना कुछ काटते ही है, दिन भर बैठे बैठे काटे है। कौन वो तो ऐसा फिर काट दिया, कौन ऐसा फिर काट दिया, कभी अच्छा मुंडा से बोला ही नहीं, दिन भर चेहर उगले, दिन भर 24 घंटा इसके मुंडा से जहर निकलता रहा, जैसे सांप की जिभ्या लपलपा ऐसी दिन भर इसकी जिभ्या लपलपाती रहा, अनशन ही बोलती रही, अब सब सही बोलती रही। यहाँ तक कहा है रामचरितमानस में, अब तो ये भागवत की बात हो गई, रामचरितमानस की भी सुन लो। ऊंच निवास नीच कर धूर्ती, देख न सकई पराई विभूति। अब वो भागवत की बात थी, ये रामचरितमानस की बात कर रही है। ऊंचे ऊंचे औदे पर बैठकर, ऊंचे ऊंचे पद पर बैठकर, ऊंची ऊंची गादी पर बैठकर, ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठकर, बहुत मान प्रतिष्ठा पद इज्जत सब कुछ मिल गई, उसके बाद भी निंदा करने से पीछे नहीं हटते, उसके बाद भी चुगली करने से पीछे नहीं हटते, उसके बाद भी अपशब्द कहने से पीछे नहीं हटते। तो विचार करो, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिख दिया था कि ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। अब फिर भागवत में आ जाए, पूतना जब भगवान कृष्ण के यहां गई थी तो राक्षसी बन के गई थी। अरे बोलो जम के नहीं गई, पहले ब्यूटी पार्लर गई, बोलो सही है कि गलत है? पहले पूतना कंस के महल से निकलते से ही पार्लर में गई, उसके बाद उसने श्रृंगार करा जोरदार, झामर झुमका सब लगा के, खजूर वाली चोटी मोटी जूड़ा मूड़ा बांध के, झमक झुला सब पेन पुना के, बाजू बंद हाथ का सब फूल फुलवारी सब लगा के, पेंदा बोर सब पेन पुना के, फिर सिर पे टोकनी रख के फिर चल गई और आवाज लगाती लगाती गई, ले लो बिकेरे बेदाम मिठाई ले लो भजन हो। बाबा लगाती 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 जाए और लगाती लगाती सारे गांव के बच्चों को स्तनपान कराती कराती पूतना यशोदा जी के घर पे पहुंच गई, और यशोदा जी के घर पर पहुंचकर यशोदा भी नहीं पहचान पाई कि कितनी जहरीली है वो, तो समझी इतनी सुंदर है रे, ऐसा लग रहा है इंद्र के यहाँ से अप्सरा आई है। तो यशोदा जी ने पूछ लिया, तुम कौन हो? मैं गांव की गोपी हूँ, कैसे आना हुआ? जब लाला हुआ तो बधाई लेने नहीं आई, आज मैं बधाई लेने। अच्छा ठीक है। तो यशोदा मैया ने जितने भगवान शंकर यशोदा जी के आए तो उनकी गोदी में नहीं दिया लाला, और पूतना की गोदी में तुरंत दे दिया, क्योंकि पहचान नहीं पाई ना, इनकी डेंटिंग पेंटिंग के आगे नहीं पहचान। अब दुल्हन के स्टेज पे कौन पहचान? वो तो भाई जब घर आए और घर आके जब कि तू तो काली रे कल्याणी जित देखो तो जब वो फिर अपना रोल दिखाए तब समझ में आए, नहीं तो मोहल्ला का लोग तो कहता था स्टेज पे तो अच्छी लगी रही थी जोरदार, अरे दूल्हे से तो लाख गुना अच्छी दिख रही थी, और सीधी भी थी एकदम बढ़िया, बापड़ी ने मुंडा भी ऊंचा नहीं करा, सिर पे पल्लू डाली ने जैसी की जैसी बैठी थी एकदम, कहीं मुंडा ही ऊपर नहीं करे, पर समझ में नहीं आया ऐसा कर ही नहीं सके, मारे तो विश्वास ही नहीं कि ऐसा कर जाए, मारे तो विश्वास ही नहीं कि मामा का छोरा ऐसा कर जाए। दाऊ जी बोले मेरे मामा का बुआ का लड़का ऐसा कर नहीं सकता, कर ही नहीं सके। भगवान राम की कथा कह रही है कि पहचानना मुश्किल है कि कितना जहर भरा है, जरा देखो घर में रह रही थी कौन जिसने 14 वर्ष के लिए वन भेजा, कई मैया भी घर में रह रही थी, मंथरा भी घर में रह रही थी, पर पहचाने कि इतना जहर उगल जाएगा, पहचाने कि ये डस जाएगा।
बावारी दुनिया मतलब नहीं, दुनिया में किसी का कोई नहीं, संसार में कोई किसी का नहीं है। अंदाजा लगा कर बैठना कि हम पूतना आई तो यशोदा जी नहीं पहचान पाई। तुम्हारे आस पास में अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन जितने तुम यहाँ पर बैठे हो, ना जाने कई कई अब परसों के दिन कितनी चेन कटी, कितना मंगल सूत्र कटा, पहचान में आए कि पूतना है कि कौन है, कौन पहचान। इसलिए बेचारा वो यम का भाई आशीष वो चिल्ला चिल्ला के तुमसे कहता है कि सिर पे पल्लू डाल के रखो रे, अपना अपना मंगल सूत्र चेन का ध्यान रखो रे, बार बार कहता है। अब क्यों? क्योंकि पहचान नहीं सकते ना। सांप को तो देख के पहचान जाओगे कि सांप है, बिच्छू को देखकर पहचान जाओगे बिच्छू है, पर कैसे पहचानोगे इनके, कैसे पहचान। हमारे साथ रहकर चोट कर जाए इसमें के लोग, तो फिर कैसे पहचान जाए। कहा माँ पार्वती ने स्कंद देव को, कहा स्कंद कार्तिके कर्म करते करते जब मनुष्य अपने प्राणों को त्यागता है तो वो शिव धाम को चला जाता है। मनुष्य का जो शरीर भगवान ने बनाया है वो कर्म करने के लिए बनाया है कि कर्म करना, परिवार को पालना, रिश्तेदारों को पालना, नाते कुटुंब कबीले सबके साथ रहना, अपने परिवार में ये अभिमान मत लाना कि तुम अकेले काम कर रहे हो, ना जाने किसके भाग्य का तुमको मिल रहा है, तुम कर्म करे। मृत्यु लोक में आने के बाद में कर्म प्रधान बना लो, और कर्म प्रधान बनाना क्या कि पृथ्वी पर आए हो तो शंकर भगवान का एक स्वरूप जानकर, कंकर को शंकर जानकर, भगवान जानकर कर्म करना। एक लोटा जल भी अगर ले जाकर तुम भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हो तो ये भी कर्म है, और इसका फल भी निश्चित है कि प्राप्त होगा ही, मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। महाराज सबसे जहरीला मनुष्य पर सांप जहरीला होने के बाद भी शंकर भगवान के गले में पड़ा, सही है। बिच्छू जहरीला होने के बाद भी शंकर भगवान के कानों में कुंडल बनकर पड़ा, और मनुष्य जहरीला अगर है, सांप शंकर जी के गले में है, बिच्छू कान में है, और मनुष्य चरणों में जाकर पड़ जाए तो उसकी भी जिंदगी सार्थक हो जाती है, उसका भी जीवन सार्थक हो जाता है केवल भगवान के चरणारविंद में पहुंचने पर, केवल भगवान के चरणारविंद में पहुंच जाने पर। हम उसके साथ, हम उसके भरोसे। और जब ये चित्त, ये मन, ये बुद्धि उसके भरोसे पर हो जाती है, फिर भटकना नहीं पड़ता। पार्वती मैया कार्तिकेय जी से कर रही है कि मानव का शरीर मिला है, कर्म भोगना, कर्म करना, और शरीर मिला है पूर्व के कर्म का भोग भोगना, उसके साथ में भगवत स्मरण करना। भगवत स्मरण करने का फल यह रहेगा कि अगला जन्म फिर नहीं आएगा। मनुष्य देह अंतिम देह, आज किसी ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा है, कोई लखन सिंह जी हैं हरियाणा के साइड के, उन्होंने
मैसेज करा है कि हमारे यहाँ टीवी चलती रहती है और आप कहते हो कि तेज आवाज कर दो और सबको सुनाओ। गलत था, आज मैसेज आया है टीवी भले चलती रहे और हम सुने ही नहीं तो क्या कर लोगे। टीवी भले चलती रहे हम नहीं सुने तो लखन सिंह जी से हमारा निवेदन है, जो बर्तन ज्यादा काला हो जाता है नी मंजे, तो घर के लोग समझदारी करते हैं उसमें छाछ भर के रख देते हैं। बोलो सही नहीं गलत है? छाछ भर के उस बर्तन में रख दो, दो चार घंटे तक भरी रहेगी ना, उसके बाद उनमें पानी डाल के धो के रख दो, मांजने की जरूरत नहीं पड़े, छाछ से बर्तन साफ हो जाता है। तो लखन सिंह जी हम भी ये जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे काले ठीकरे हैं, बहुत सारे ऐसे ढेर सारे काले बर्तन हैं जो ये इतनी जल्दी साफ होने वाले नहीं है। इन्हें सारा साबुन घिस दो नहीं तो साफ नहीं होगा, क्योंकि रोज चूल्हा पे धर धर के इनकी काकियों ने इनके काला कर दिया। पाप करा करा के पाप का कालापन पूरे ठीकरे पर पूरे शरीर पर लग गया है, ये इतनी जल्दी साफ नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि टीवी की आवाज कम कर जम करके तेज करके छोड़ दो, क्योंकि इन्हें छाछ, छाछ क्या है, ये भगवान की कथा, जब शरीर में कहीं से भी ये कथा भरा जाएगी तो बर्तन आज नहीं तो कल साफ होएगा ही शरीर, ये निश्चित है। छाछ भर के तो धरो, अब तुम बर्तन में छाछ रखो ही नहीं हो के बर्तन साफ हो जाए, नहीं रोज बीम से मांजे ने साबुन से रगड़े ने रोज रगड़े, बिचारी का हाथ बेकार हो गया पर वो ठीकरा साफ नहीं हुआ। ऐसे काले ठीकरों को तो शंकर की कथा ही छाछ बनकर साफ करती, ये थी जल्दी साफ होने वाले नहीं। बहुत कठिन है, बहुत। अब देखो ठीकरा साफ हुआ कि नहीं हुआ, तेज आवाज हुई होगी तो कथा ध्यान में गई होगी, कथा ध्यान में गई होगी तो टीवी पे से नंबर निकाला होगा। अर्जुन से पूछा था पेड़ पे क्या दिख रहा है, तो कहा तोते की आँख, बस समझ गए गुरुदेव की अब लक्ष्य पर है। उसी तरह टीवी पे क्या दिख रहा है, महाराज का नंबर मतलब लक्ष्य पर है, ये निश्चित है। इतने में ही समझ में आ जाए कि अब ठीकरा साफ होने वाला है, कई दिक्कत है, छाछ भर दी बर्तन साफ, कितना भी काला बर्तन होने छाछ भर के आधा एक घंटा दो घंटा तो तुम्हारे यहां बेकार छाछ हो जाएगी, की काम की नहीं रे बेसी छाछ, किसी काम की नहीं। शिव महापुराण को जब तक ये पुराण नहीं होती थी लोग जानते ही नहीं थे, उठा के रख रखी थी, किसी ने नहीं जानते थे कि शिव पुराण भी कोई हो। वो तो जब ये छाछ ने अपना रंग दिखाना चालू करा, जब दिखाया तब लोगों को समझ में आई कि ठीकरा उन साफ कर देगी सारा, और हुआ कई ठीकरे साफ हो गए, कई ना जाने कितने बर्तन साफ। और अभी भी थोड़े बहुत ठीकरे तो रह गए, वे भी साफ हो जाएंगे, धीरे धीरे होंगे। तुम सोचो कि एकदम हो जाए, कहीं कहीं का चूल्हे पे चढ़ चढ़ के एकदम घना काला पड़ी जाए तो फिर उसको साफ करने में थोड़ा समय तो लगे। तो पहले छाछ का काम है, जो अंदर भर के रखी है पहले वो अंदर से साफ करती है, फिर बाहर रखी हुई छाछ को क्या करना पड़ता है, फिर बड़े बर्तन में छाछ को रखो और ये ठीकरे के अंदर बाहर से साफ करना है तो इसको भी उस बड़े बर्तन के अंदर डुबो के धर दो, जब डुबो के धर दोगे तो बाहर से भी साफ हो जाएगी। पहले अंदर से साफ करो, भीतर से साफ होना चाहिए, इसका चित्त, इसका मन, इसकी बुद्धि, इसका केंद्र बिंदु भगवान मानना चाहिए। पहले ये मंदिर जाना चालू कर देनी एक बार, इसके बाद इसको तो हमें कभी भी डुबो देंगे, और डुबोया कि एकदम क्लीन साफ, फिर कहीं नहीं सोचना अपन को कि बर्तन साफ हो गया। तो यहाँ तो शास्त्र कह रहा है कि आप भगवत स्मरण की ओर आगे बढ़ो, भगवान की भक्ति की ओर जब आगे बढ़ोगे तो निर्मलता का सुख अपने आप प्राप्त होगा।
अपने आप। कितना पाप भरा हुआ है मनुष्य के शरीर में, कितना भरा है। हमारे मालवा के संत श्री नागर जी महाराज कहते हैं, मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी कैसे तारोगे, मेरी चादर झीमर झील गुरु जी कैसे तारोगे। ये भरा हुआ पापों से ये घड़ा है, इसको कैसे तारोगे, कैसे। ये तो सुख का अनुभव कराते विस्तार, टेन स्टार जितनी स्टार होए सारी स्टार में रह लो, तुम तो मना नहीं हो, एक से बढ़कर एक होटल में रहो, पर 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना 22 दिन 25 दिन में तो घर की यार आई जाए। अब घर में ना तो होटल जैसा सुख है, घर में ना कोई अच्छा एसी का रूम है, घर में ना कोई नौकर लगा है तुम्हारा सामान लाके देने के लिए, घर में ना तुम्हारे को कोई कुछ कहने वाला। होटल में सारा सुख है, इसके बाद भी होटल का सुख थोड़े दिन अच्छा लगता है, बाद में घर की याद आती है। उसी तरह कोई भगवान विष्णु से जाकर पूछे कि नारायण तुम्हें बैकुंठ अच्छा लगता है, तो भगवान विष्णु कहते हैं अगर बैकुंठ अच्छा लगता होता तो मैं राम अवतार नहीं बनकर आता, कृष्ण अवतार में नहीं आता, वामन अवतार रखकर नहीं आता, मैं कपिल अवतार रखकर नहीं आता, मैं परशुराम अवतार रखकर नहीं आता, मेरे 24 अवतार हुए हैं। भगवान नारायण खुद कह रहे हैं कि मेरे 24 अवतार इसलिए हुए हैं कि मुझे बैकुंठ में जो सुख नहीं मिलता वो मृत्यु लोक में आकर सुख मिलता है, इसलिए मैं पृथ्वी पर आना। तो फिर भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी ने पूछा तुम्हें पृथ्वी पे क्या सुख मिलता है, तो कि पृथ्वी पे एक सुख है, वहां कंकर और शंकर है, शंकर के बिना मैं अधूरा हूं। इसलिए तो शिव महापुरुष की कथा कहती है, भगवान विष्णु भगवान शंकर जी से बोले प्रभु बड़ा दुखी हूँ। शंकर जी ने पूछा क्यों दुखी हो, तो भगवान विष्णु बोले कि मुझे आपके दर्शन नहीं होते, मैं कैसे आपके दर्शन करूं। तो शंकर भगवान बोले तुम नीचे आ जाया करो मुझसे मिलने के लिए। भगवान विष्णु बोले मैं नीचे तो आ जाऊं पर जब मैं पृथ्वी पर आता हूं चलता हूं तो मेरे पांव में कंकर चुभते हैं, जो कंकर चुभते हैं ना वो मुझे शंकर नजर आते हैं, अगर कंकर में मुझे शंकर नजर आता है तो मैं पैदल कैसे चलूंगा। तो शंकर भगवान ने कहा पैदल चलने का काम खत्म करो, तुम सांप बन जाओ, जब सांप बन जाओगे तो रेंग कर चलोगे, हर कंकर से चिपक कर चलोगे, तो शंकर और कंकर एक हो जाएगा। काहे को चिंता करते हो, शंकर जी के गले में जो सर्प पड़ा हुआ है बड़ा बड़ा सा, ये कोई दूसरा नहीं मेरे भगवान विष्णु ने सांप का रूप धारण कर लिया और शंकर जी के गले में जाकर रहने लगे, शिव के गले में। तो ये सर्प विष्णु ही है। तुझ में रब दिखता है यारा में क्या करूं, हर एक में वही दिखता है तो अपन क्या करेंगे। तो कहे मारा संगना चले तेरी कोड़ी रे, फिर काहे करे माता फोड़ी रे, काहे माता फोड़ी करनी रे, क्यों करे। एक रुपया साथ में ले जा सकते जीजी और जीजा, सब सुन लेना अच्छे से, एक रुपया साथ में ले जा सकते और अकड़ में ऐसे जिए सब लेके जाएगा। पंखा भी टंगरे गरे मिश्रा जी यही सब, जैसा कि जैसे ही पड़ा रहेगा टिफिन में रोटी बनी की बनी रह जाएगी, फ्रिज में एप्पल धरा रह जाएगा, मोबाइल चार्ज में लगा रह जाएगा, जब अंत समय आएगा सब पड़ा की पड़ा, सब 10-12 दिन तक लोग रोएंगे,
13वें दिन नुक्ति और सेव रायते में डाल के खाएंगे। तुम चले जाओगे, जो परसने वाला आएगा उससे कहेंगे तरी तरी दो, थोड़ा नमक और ला दो, हमारी काकी जी निपट गई, थोड़ी सी नुक्ति तो और दे, काकी जी निपटी। अब काकी निपटी ने तो नुक्ति झड़े, फिर कौन तुझे याद करे? और पूरी जिंदगी रो रो के मर गए, भगवान ऐसा भगवान वैसा, हमारी तो जिंदगी बेकार हो गई, काय करो, अलमस्त होकर जियो, अलमस्त होकर। कई लोग कहते हैं ये सियोर वाला महाराज 24 घंटा हंसता रहे, कभी इसकी आंख में कथा में तो कभी आंख में आंसू दिखे ही नहीं, ये तो कई करूं रोके, क्या करना है? मुस्कुराने के लिए भगवान ने चेहरा दिया है, मुस्कुराने के लिए अधर दिए हैं, रोने के लिए तो जब पैदा हुए थे तो मेरे राम जी भी अगर जन्मे थे तो भी कहा गया था माता पुनी बोली सोमति डोली तजउतात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम रूपा सुनी वचन सुजाना रोदन थाना। कह दिया रो राम जी, राम जी बोले हम रोए और क्या, जन्मे हो पृथ्वी पर तो रोना तो पड़ेगा, इसलिए राम जी को माता कौशल्या ने रुलाया था कि जन्मे हो पृथ्वी पर तो रोना पड़ेगा, इसलिए आज भी बच्चे का जन्म जब हॉस्पिटल में होता है चाहे घर में होता है डॉक्टर सिस्टर थप मार के चिमटा खोड़ के रुलाते रो, आज से रोएगा तो मरेगा, तब तक रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा निश्चित है, रो। मुस्कुराने के लिए तो भगवान ने मनुष्य को जन्म दिया, मुस्कुरा ले, दुख में भी मुस्कुरा, इसलिए आपको कहा था शंकर जी के मंदिर में जाना, तुम्हारा काम नहीं हो रहा तुम मंदिर जाओ, कुछ नहीं है तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए, बेलपत्री भी नहीं, चावल का दाना भी नहीं, जल भी नहीं, तो भी शंकर जी के मंदिर जाना और मुस्कुरा करा जाना, आधे से ज्यादा टेंशन में भगवान पड़ जाएंगे कि क्यों हंस के गए, चिंता उनको बढ़ जाएगी, मुस्कुराने से भी चिंता बढ़ जाती है, और मुस्कुराने का हक केवल मनुष्य को है। कभी तुमने चींटी को मुस्कुराते देखा है? झिंगूर को, मच्छर, खटमल, नहीं खटमल ज्यादा खून चूस ले तो मुस्कुराए, तुम्हें दिख जाए कि खटमल मुस्कुराया, कहीं दिखे तो बता, मगरमच्छ मुस्कुराए, कवर बिच्छू, सुंगर, नहीं कहीं का दिख जाए तुम्हें ऐसा मुस्कुराता हो कि सुंगरा मुस्कुरा रहा, नहीं, मुस्कुराने के लिए केवल एक मनुष्य को बनाया है कि जिंदगी में कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, पर मुस्कुराना मत छोड़ना, ये मुस्कुराने में भी परमात्मा छुपा हुआ है, मुस्कुराने में भी परमात्मा छुपा है, तेरी मुस्कुराहट भी परमात्मा का दिया हुआ एक आशीर्वाद है। पर कई कई लोग संसार में ऐसे पैदा हो जाते हैं जिनकी हंसी चली जाती, जब भी मिलो मुसद्दी लाल जैसे मिलेंगे, बहुत दुख है इनको, बचपन में देखो तो भी ऐसे मिलेंगे, बड़े में देखो तो भी ऐसे मिलेंगे, और मरेंगे तब भी मुंडा लेके मुस्कुरा कर जा, प्रभु तेरा साथ न छूटे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा साथ न छूटे। भगवान की अविरल भक्ति की ओर जब हम बढ़े, सारी समस्या का हल एक लोटा जल, शंकर भगवान को कर्म करते करते जब हम जल समर्पित करते हैं तो यह जिंदगी का एक सुख देता है, एक आनंद देता है, एक सुख प्रदान करता। महाराज है ना, हमारे जीवन में जो तकलीफें हैं ना उसको काटना आपको है, हम कहां वैकुंठ में जाएंगे? जाएंगे
एक बहू पुणे में रहती है, एक मुंबई में रहती है और एक तुम्हारे पास रहते है। तकलीफ होगी तो पुणे वाली को कहोगे कि मुंबई वाली को कहोगे कि पास वाली को कहोगे? बोलो जम के। पास वाली को कहोगे भले वो गोली दे ना, पानी दे ना दे, मर्जी उसकी, पर एक बार तो कह दोगे ना कि बहू मेरा सिर दुख रहा, बेटा आज अच्छा नहीं लग रहा, आज मुझे तकलीफ है कुछ। उसी तरह सब बैठे, कोई बैकुंठ में बैठा है, कोई ब्रह्मलोक में बैठा है, कोई इंद्रलोक में बैठा है, पर मेरा देव अधिदेव महादेव मृत्यु लोक में बैठा है, जो नजदीक में है। सबसे पहले आवाज उसको लगा लेना, सबसे पहले आकर खड़ा, सबसे पहले आवाज लगाना, सबसे पहले आकर खड़ा मिलेगा। सहजता में सर शिव कृपा होती है तब जाकर कहीं जीवन में कोई सुख का अनुभव होता है। जैसे अभी बेटी ने कहा कि हार गए, तब पिताजी भी कह दिया मुझे कुबेरेश्वर धाम ले चलो एक बार वहां, और एक बार जाऊं तो यहां ना तो शिव अभी विराजमान हुए हैं ना मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। वो तो आप जो थोड़ा थोड़ा सहयोग कर रहे हो तो ये बाबा का धाम बन रहा है। आप छाती ठोक कर कह सकते हो कि हमने भी कुबेरेश्वर धाम में एक ईंट लगाई है तुम्हारे धन की एक ईंट लगी। तो ना तो यहाँ भी प्राण प्रतिष्ठा हुई है ना पूरा बना है, पर इतना जरूर है कि यहाँ का कंकर शंकर है। और दिल से अगर आप कहीं पर भी बैठ कर याद करो उस कुबेरेश्वर महादेव को, उस महाकाल, उस विश्वनाथ को, ये निश्चित है मेरा शंभू, मेरा शंकर। जैसे अभी कहा एक बहू मुंबई रह रही है, एक पुणे रह रही है और एक तुम्हारे साथ में रह रही है। हम आशा बहुत दूर रहने वाली बहू से लगाकर बैठते थे। अभी तक जब तक शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी थी लोग दूर वाली बहू से आस लगा कर बैठते थे, पर जब से शिव महापुराण की कथा सुन ली तब से आस एक हो गई कि मृत्यु लोक का पृथ्वी का देव है, देव अधिदेव महादेव है, तो वो झट तोड़ कर आएगा और मेरे जीवन को सार्थक कर जाएगा। वो साधे कोई दूसरा नहीं है साधने वाला। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हम एक बात पहले भी कहे आज फिर कहते हैं, टीवी के सामने सुन रहे हो चाहे कुबेरेश्वर धाम में सुन रहे हो, कुबेरेश्वर धाम की धरा पर बैठकर कभी जिंदगी में जब तुम्हारे काम हो जाएं और यहाँ कभी कथा हो रही हो तो जिंदगी में कभी एक मौका लगाना कि कुबेरेश्वर धाम में 5 मिनट की भी कथा सुनकर जाने का प्रयास करना। और 5 मिनट की कथा सुनकर जाने के बाद में आप घर पर इतने आनंद में वापिस दौड़ने का। हम इससे पहले जो कथा हुई थी उसमें भी कहे थे कि बैग मत खोलना, यहाँ से जाकर बैग बंदे रहने दो, 3 महीने बाद वही बैग वापिस लेकर यहीं आना पड़ेगा वापिस। एक पत्र आया, उस पत्र को देखिए आप। पुष्पा लक्षकार जीरन जिला नीमच, कहीं बैठे हो तो हाथ उठाइए। मैं नीमच जिले की जीरन से आई हूं। मेरी बहू प्रभा राजेश लक्षकर ने नगर पंचायत चुनाव के फार्म भरा था, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन मैंने मेरी बहू से कहा कि महाराज इतना चिल्ला चिल्ला के कहता है एक बार जरा देखे तो सही, प्रैक्टिकल करने में खा जाता है, पार्टी टिकट नहीं दे तो कुबेरेश्वर है तो
कुबेरेश्वर बाबा का स्मरण किया, मेरे बेटे बहू ने किलेश्वर महादेव को जल समर्पित करना प्रारंभ कर दिया। बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा से कहा, हमने सुना है कि बेलपत्री पर शहद लगाने से अच्छे अच्छे पास हो जाते हैं, फिर भी लोग शोर मचाते हैं। ठीक है बाबा, हम अपना कर्म करें, आपका आशीर्वाद चाहिए। और बेलपत्री पर शहद लगाना चालू करा, विजय की कामना करी। मन में संकोच था, चुनाव के अगले दिन कुबेरेश्वर धाम आकर बहू की विजय की कामना भी बाबा से करी। मेरी बहू ने निर्दलीय प्रत्याशी बनकर विजय हासिल कर ली। बेलपत्री का शहद सफल हो गया। बेलपत्री का शहद फिर निवेदन करूंगा, सबसे पहले करो कर्म। क्या करना है? कर्म। और कर्म के साथ विश्वास करो मेरे देव अधिदेव महादेव। भोलेनाथ दया करना मैं तेरे। दिल से उसको पुकारने का प्रयास करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, मानव का शरीर जो मिला है ये भगवत स्मरण के लिए मिला है। पार्वती जी कार्तिकेय को करें कि ये जीवन फिर नहीं मिलना है, जो मिल गया फिर प्राप्त नहीं होगा। और अगर मिल भी गया तो ना जाने कौन सी योनि में पड़े रहेंगे। अपन एक दूसरे को पहचानेंगे कि तुम मेंढक बन गए कि मेंढकी बन गए, तुम कछुआ बन गए कि छिपकली बन गए। ये कौन एक दूसरे को पहचानेगा कि कौन क्या बना। हम तो अभी भी नहीं पहचान पाते कि कौन क्या बन गया। तुम्हारे घर पर बकरी आए तो तुम पहचानती हो कि ये हमारी मौसी है, फिर भी पूरा घर छोड़कर तुम्हारे दरवाजे पे आके खड़ी होती है तो पहचानो ना कि दिन में 1 बजे काय को आती है। पहचानो कि तुम्हारी पड़ोसन कोई मर गई होगी, वो हमेशा 1 बजे दोपहर में चाय पीने आती थी, अब बकरी बन के आ रही है। सारी दुनिया का ओटला छोड़कर बकरी तेरी ओटले पे क्यों बैठती है? कहीं कहीं के ओटले पर कुत्ते को भगा दो, डांट दो, डंडे से पीट दो, तो भी वो कुत्ता उसी के ओटले पे बैठता है। अब वो पहचान थोड़ी ना आता कि कुत्ता कौन था। अपन पुराना अंदाजा लगा के बैठो कि आखिर ये कुत्ता कौन था, ये कुत्ता कौन था, ये कुत्ता कौन था। तब ध्यान में कहीं का जाए, तब समझ में आ जाए कि भैया हमारा वो पहचान वाला दिन भर ओटले पे बैठा रहता था, यहीं बैठ के गप्पे मारता था, बेचारा का एक्सीडेंट हो गया, निपटी गया, अब वो कुत्ता बन के यहीं बैठी गया। कौन पहचाने किसको? कहां से आई है? अजमेर राज राजकोट से है। अच्छा खाचरों से कुछ कहना है? देव जरा माइक दे दे जल्दी से, पर इसके बाद मौका नहीं देंगे क्योंकि कथा बहुत सारी रह गई, इसलिए जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी ले जाओ, एक दूसरे को देना, जल्दी ले दो। हाँ देते जाओ। शंभू शरणे पड़ी मामो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करे न दर्शन आपो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्ते। शिवाय नमस्ते। कहाँ से आई है बहन? मैं खाचरों से आई हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा रेखा कुमार है। जी बोलिए। मेरे मिस्टर है ना, इसमें कोऑपरेटिव बैंक में थे जी, और 1 करोड़ का घोटाला हो गया था जी, तो मैं यहाँ आई थी जी, तो यहाँ से थोड़ी मिट्टी लेके गई थी जी, जी, और उनको अधिकारी ने उज्जैन बुलाया था जी, जी, तो फिर मैंने वो मिट्टी दी कि आप लेके जाओ, आपकी जेब में रख दी थी मिट्टी। हाँ मैंने जेब में लाल कपड़े में बांध के रखी थी जी, जी, तो वो लेके गए और वहाँ से फोन आया कि मेरे को चार्ज मिल रहा है तो मैं लूं के फिर बाद में लूं, तो मैंने कहा सोमवार को लेना भोलेनाथ का व्रत, तो मैंने एक सोमवार करा पशुपतिनाथ का और मेरे इनको चार्ज मिल गया। बधाई हो आपको, बाबा की कृपा हो, अब वापिस चार्ज मिल गया ना। और एक और है जो है ना, ये बिल पत्र देने शुरू किए 1 महीने से,
तो उनके अन्याय हो गया था जी, तो अन्याय वो रोज बिल पत्तर खाते थे तो उनका अन्याय खत्म हो गया। परसों रिपोर्ट करवाई थी, आ गई है रिपोर्ट, अन्याय समाप्त हो गया ना, बस ठीक है बैठो। श्री शिवाय, बहुत बहुत बधाई आपको कि बाबा ने आपके ऊपर से इल्जाम हटा दिया और वापिस बाबा ने चार्ज देकर वापिस बैंक में लगा दिया। हर हर महादेव। वो कुबेरेश्वर है, बाबा की कृपा ऐसी बनी रहे। बैठिए। शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करे नगर शरणे आपो। शिव कृपा बिना नहीं हो सकता महादेव। उसकी फिर कहूंगा, बहुत दूर जाकर नहीं कहना हमको, हम जहां बैठे हैं, जिस जगह बैठे हैं, भले टीवी के सामने भले मोबाइल के सामने, दिल से उससे कह दो कि तेरी आज मुझे जरूरत है, तू हो मेरे साथ। तू नहीं तो कौन तारेगा। पार्वती मैया, नरसिंह पार्वती मैया कार्तिकेय को समझाती हैं, समय आया तारकासुर का संहार करना है, और कार्तिकेय को समझाकर भेजा कि इस तारकासुर के हृदय में शिव बसे। शंकर भगवान अगर हृदय में बसे हैं और आप इसको मारोगे तो श्रेष्ठता कहां। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव की उपासना, शंकर की आराधना, ये शिव भक्ति के बिना प्राप्त नहीं हो सकते। शिव भक्ति महाराज, बड़े से बड़े काल से, बड़े से बड़े रोग से, बड़ी सी बड़ी बीमारी से भी अगर बचा सकता है तो मेरा देव अधिदेव महादेव बचा सकता है। आएगा मनुष्य की देह तो दुख तो आना है, तकलीफ तो आना है, पीड़ा तो आना है, परंतु उस पीड़ा को समाप्त करने का बल भी मेरा देव अधिदेव महादेव ही दे सकता है। शिव के सिवा कोई नहीं दे सकता, शंकर के सिवा मुश्किल है। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। तारकासुर के हृदय में शिव बसा है, इसलिए उन्होंने जो वर मांगा था वो ये मांगा था कि मरूंगा तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूंगा। अगर मरूं तो शिव के पुत्र के द्वारा। राम कथा को उठाकर देख लीजिए, उसमें आता है कि राम जी ने इनका संहार करा, इनको मारा, भगवान कृष्ण ने इनका संहार करा, इनको मारा। पर शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखना, जितने असुरों का भगवान शंकर ने संहार करा, संहार के बाद कोष्टक में लिख दिया तारा, क्या लिखा, संहार नहीं करा। पूरी गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा को हिंदी की भी उठाकर देखोगे, जिन जिन असुरों का शंकर भगवान ने संहार करा उसके कोष्टक में लिखा संहार, फिर लिख दिया तारा, मतलब संहार नहीं करा है। मेरे शंकर भगवान ने तो केवल स्पर्श कर कर उनको तार दिया है। कहते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, शंकर भगवान के शिवलिंग का जब स्पर्श करते हैं, शंकर भगवान की रज का जब स्पर्श करते हैं, शंकर भगवान के मंदिर में जब तुम झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बुआरी लगाओ। एक बात बहुत पुरानी है, बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं अगर इस कथा को सुन रही होंगी तो उनको अंदाजा होगा कि घर की जेठानी जब घर में लीपती थी
पोछा लगाती थी तो घर की देवरानी जब उस पोछे पर पांव रखती थी तो पहले पल्लू से उस पोछे को प्रणाम करती थी। बोलो सही है कि गलत है? पहले उसको प्रणाम करती थी कि मेरी जेठानी का हाथ लगा है, मेरी जेठानी ने इस जगह पर पोछा लगाया है, मेरी जेठानी ने इसको गाय के गोबर से लीपा है, मेरी भाभी ने, मेरी ननंद ने इसको लीपा है। तो भाभी अगर पांव रखती थी तो पहले उसको प्रणाम करती थी उस गोबर को लीपे हुए को। तो लोग कहते थे क्यों प्रणाम कर रहे? अरे ननंद ने लीपा, मेरी जेठानी ने लीपा, मेरे उन ने लीपा। तो लीपन को भी प्रणाम किया जाता है। कभी आप लोग शंकर जी के मंदिर जाएं, शिव मंदिर जाएं, शंकर जी के मंदिर में जब झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं, शिव जी के मंदिर को जब साफ करें, करते हो आप लोग जाके साफ शिव मंदिर को? करना चाहिए। कई कई लोग जब हमारे पास में पत्र लिखते हैं ना तो बड़ा दुख होता है ये सुनकर कि कई लोग पत्र लिखकर कहते हैं कि महाराज जी ने तो ऐसा मंदिरों में भीड़ करवा दी है शंकर जी के मंदिर में कि लोग बेलपत्री पटक के चले जाते हैं, फूल पटक कर चले जाते हैं और इतना कचरा करके चले जाते हैं। पर मेरा विश्वास कहता है सावन के महीने की शिव पुराण में कि ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा जिस मंदिर में कचरा होगा, क्योंकि शंकर के भगत उसको साफ करता है। जो लोग कहते हैं कि मंदिर में कचरा हो गया, उनकी बुद्धि में कचरा भरा हुआ, इसलिए मंदिर में कचरा दिख रहा है। कई लोगों के पत्र आते हैं हमें सुबह 5 बजे से मंदिर खोलना पड़ता है, रात को 10 बजे तक भीड़ लग जाती है इतनी। अरे तो पहले अंदाजा लगाओ कि शिव मंदिर में कोई नहीं आता था तो तुमको सोचना था कि शंकर के मंदिर में कोई आता नहीं है। आज तो ब्राह्मण हो चाहे संत हो, नगाड़े बजा बजा कर कहना चाहिए कि मंदिरों में भीड़ बढ़ गई, प्रसन्नता होना चाहिए। जिन जिन ने पत्र लिख कर भेजा वो पत्र में उनके मंदिरों के नाम लिखे, सिग्नेचर करें, वो तो हम आस्था चैनल पर दिखा नहीं रहे। सोचना चाहिए कि मंदिरों में, सनातन धर्म का आदमी दूसरे धर्म में जाए तो तुम्हें अच्छा लग रहा है, सनातन धर्म का आदमी दूसरे धर्म में घुस रहा है तो तुम्हें अच्छी लग रहा है, खुशी हो रही है। और आज सनातन धर्म का बच्चा बच्चा शंकर मंदिर में जाकर एक लोटा चला रहा है, भले नहीं है किसी के पास में रुपया, तो क्या रुपया चढ़ाना जरूरी है कि 10 रुपए चढ़ाओ कि 50 रुपए चढ़ाओ? एक ने पत्र में लिखा है कि पंडित जी को बोलो सियोर वालों को कि जितने लोग दर्शन करने आए उनसे कहो कि यहाँ पर 10 रुपए चढ़ा कर जाओ। काय को बोले सियोर वाला महाराज, नहीं है किसी की कैपेसिटी चढ़ाने की, नहीं है किसी के पास धन चढ़ाने का, जरूरी है कि 10 रुपए चढ़ाएगा कि 50 रुपए चढ़ाएगा? एक लोटा पानी लेकर अगर सनातन धर्म का कोई व्यक्ति शंकर मंदिर जा रहा है तो आज सनातनी जाग रहा है, दूसरे धर्म को ठोकर देकर अपने धर्म में आ रहा है। तुम्हें खुशी होना चाहिए, मंदिर में नगाड़े बजाना चाहिए, मंदिर में ढोल बजाना चाहिए, आतिशबाजी चलाना चाहिए कि सनातनी फिर जाग गया और शंकर मंदिर में आकर खड़ा हो गया। और तुम रो रहे हो कि हमें सुबह 5 बजे से मंदिर खोलना पड़ता तो 10 बजे तक खोलना पड़ता। मेरा विश्वास कहता है ऐसा कोई मंदिर नहीं जिसमें भक्त सफाई नहीं करते होंगे। बोलो रीजी जी, सही है कि गलत है? एक एक शंकर के मंदिर में लोग जाते हैं तो सफाई कर कर आते हैं। अगर माताओं के पास में कुछ नहीं रहता तो अपने रुमाल से सफाई कर लेती, पर करती है मेरी बहन। बेलपत्री जितनी पड़ी होती है, पहले बेलपत्री का रोना रोते थे कि कचरा पटक गए, अब तो जो जाता है वो बेलपत्री उठा के लिया था खा जाता है, छोड़ता ही नहीं है। अरे सुधर जाओ रे, और नी सुधरो तो सिधर जाओ रे, थोड़ा तो सुधरो। शिव मंदिर में भगवान के भक्त बढ़ रहे हैं, शंकर के मंदिर में अगर आज सनातनी जा रहा है, स्कूल की ड्रेस पहन पहन के बच्चे पहले मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, ये नजारा पहले कब देखते थे? पहले कब देखते थे तुम्हारा ये नजारा कि एक स्कूल की ड्रेस पहना हुआ बच्चा शंकर के मंदिर में जा रहा है? ये नजारा कभी देखने को मिला? घर की बहुएं लोटा लेके मंदिर जा रही, ये नजारा कभी देखने को मिला? घर का व्यक्ति पुरुष मंदिर में जाकर लोटा भर के पानी चढ़ा, ये नजारा कभी देखने को मिला? नहीं। ये नजारा आज अगर देखने को मिल रहा है तो समझ लेना कलयुग नहीं शिवयुग चल रहा है, और शिवयुग का
शिव युग ही एक आनंद करा सकता। उसके बाद भी रो, उसके बाद भी अगर रोना रो, किसी और वाला महाराज ने कचरा करा दिया तो रोते रहो जिंदगी भर। हम नाम नहीं बोल रहे हैं और ना हम गांव का नाम बोल रहे हैं, ना मंदिर का नाम बोल रहे हैं, ना महाराजों का नाम बोल रहे हैं। ढेर भेजा है ढेर। सबरो, अगर आज सनातनी नहीं जागा तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा। दूसरे लोग तो तैयारी में बैठे हैं कि 60 साल में ये 2060 आएगा और एक एक सनातनियों को हम दबा कर अपनी सत्ता स्थापित कर देंगे। पर वो तो मेरे शंकर का गुणगान गाओ जो ये शिव महापुराण की कथा मिल गई, जो वापिस सनातनी जाग जाए। गुणगान गाओ शंकर जी का, मेरे महंकाल राजा का, मेरे विश्वनाथ का, उसका स्मरण करो, उसकी भक्ति को धारण करो। कितना जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं पर फिर भी पशुपति व्रत माताएं करने आती हैं, प्रसाद छोड़ के जाती हैं। उस प्रसाद को इकट्ठा कर लिया करो, बच्चों में नहीं बटे, बड़ों में नहीं बटे तो गौ माता को दे दिया करो। जो और ऐसा तो नहीं होगा कि एक एक किलो छोड़ के जाती हो, इतनी भी धर्मात्मा कहीं की नहीं रहे, लाती भी होगी तो एक आध कटोरी, दो कटोरी, तीन कटोरी, इससे ज्यादा कहीं लाए। महाराज इसलिए कह रहे हैं, जागो तो एक बार हिंदू जागो, थोड़ा जागने का प्रयास करिए, जीवन का आनंद पाओगे। महाराज शिव भक्ति, शंकर का स्मरण, शिव का अनुमोदन, शंकर की भक्ति का गुणगान हमारे जीवन की सार्थकता। और फिर निवेदन करूंगा, यहां आने से पहले अपने गांव के जो शिव मंदिर हैं उसका स्मरण करना, उसका अनुमोदन करना, उस शिव मंदिर का गुणगान करना, अपने आप से उसका अनुभव। तारकासुर को मारो, पर एक बात याद रखना, तारकासुर को मारना नहीं है, तारना है, क्योंकि तारका के हृदय में शिव बसा हुआ है। तारका के हृदय में शिव बसा हुआ है। भगवान कार्तिकेय जी ने जाकर तारकासुर का संहार किया, संहार नहीं था, शिव ने कृपा कर तारकासुर को तार दिया। वो जो बाण छोड़ा गया था वो तारकासुर के हृदय को नहीं लगा, वो तारकासुर के शरीर में लगा। तो शरीर में जहां पर बाण लगा, तारकासुर के उस पूरे शरीर में शंकर ऐसा रमा हुआ था कि शंकर भगवान के नेत्र खुल गए, और नेत्र खुले और खुलते से ही शंकर जी को स्मरण आया कि मेरे तारका को किसी ने बाण छोड़ा। बहुत ध्यान देना, 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है, 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है, प्रतिदिन। अब प्रत्येक श्वास में तुम अगर भगवान का भजन कर रहे हो तो जिस श्वास को भगवान ने आखिरी बनाया है उस श्वास में भी भगवान का नाम आ गया, भगवान का स्मरण आ गया, तो तुम्हें लेने के लिए यमराज नहीं आएगा, तुम्हें लेने के लिए यम नहीं पहुंचेगा, तुम्हें लेने के लिए नंदी पर चढ़कर देवाधिदेव महादेव ही पहुंचेगा, कोई दूसरा नहीं पहुंच सकता। कौन पहुंचेगा? वो पहुंचेगा शिव ही, कोई दूसरा नहीं। अगर गलत भी हो तो भी उसको स्वीकार आपको करना है, और सही भी हो तो स्वीकार।
हम नहीं जानते कि हमें क्या है, हम तो केवल आपकी निर्मल भक्ति को जानते हैं, केवल इतना जानते हैं कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल, हम तो इतना जानते हैं कि आपके मंदिर तक आना सीख गए, फिर आगे आपकी मर्जी है, आप तारो की मांग, ये आपके। अरे भाई, चांदी काली हो जाती है तो उसको सुनार के यहां ले जाया जाता है कि चांदी को उज्जवल कर दो, बर्तन काले हो जाते हैं तो ताम्रकार के यहां ले जाया जाता है कि बर्तन को उज्ज्वला कर दो, शरीर बेकार हो जाता है तो डॉक्टर के यहां ले जाया जाता है कि शरीर ठीक कर दो, और अगर मन बेकार हो जाए तो सदगुरु के पास ले जाया जाता है कि इसको ठीक कर दीजिए। इस मन का अगर कोई डॉक्टर है, इस मन को अगर साधने वाला कोई है, इस मन को अगर कोई स्वच्छ बना सकता है तो वो भगवान देव अधिदेव महादेव कर सकते, ये श्रेष्ठ। शिव भक्ति कर ले, तारकासुर के तीनों पुत्र तारकाक्ष विदुम्माली कमलाक्ष की ने वर प्राप्त करा, हम मरे तो तीनों एक साथ मरे, शंकर भगवान पशुपति नाथ बन गए और 33 कोटि देवताओं को पशु बना दिया, पशु बनाकर इनको दौड़ाया, इनके पीछे देवाधिदेव महादेव दौड़ने लगे, शंकर भगवान दौड़ते 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 सारे देवताओं को इन तीनों की पुरियों में पहुंचा दिया, इन तीनों को निकाल कर एक जगह पर खड़ा कर दिया, शंकर भगवान ने अपने सींग और खुर के माध्यम से इनको मारना चाहा, जब इनमें से एक नहीं मरा, तारकाक्ष ने पीछे से फरसे का प्रहार कर दिया, भगवान का शीश कट कर नेपाल में गिर गया, वहां पशुपतिनाथ के रूप में भगवान विद्यमान हो गए, धड़ केदारनाथ के रूप में विद्यमान हो गया, शिव जी उसी केदारेश्वर में से प्रकट हो गए, हाथ में त्रिशूल लेकर तीनों का संहार कर दिया, तीनों का, भगवान पशुपतिनाथ के रूप में विराजमान हो गए। पशुपतिनाथ का जो आप व्रत करती हो सोमवार को, निवेदन है सावन के महीने में अगर सोमवार के व्रत करती हुई आई हो तो आप पशुपति व्रत छोड़ देना, बाद में करना। अगर श्रावण के व्रत आप नहीं करती हो, चतुर्मास नहीं करती हो, तो फिर आप पशुपति व्रत कर सकते हो, सावन भी उठा सकते, मनाना। अगर सोमवार के व्रत सावन के नहीं करते हो तो